हेलो दोस्तों, विनोज किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा नुस्खा जिससे हमारा लटका हुआ पेट तो कम होगा, साथ के साथ हमारा खाने की पाचन शक्ति जो बढ़ेगी, जो हम खाना खाते हैं वो फैट के रूप में जम जाता है, उसे बढ़ने से रोकना है हमें, और हमारी बीमारियाँ, बीपी, नसे ब्लॉकेज होना और कैंसर जैसी बीमारियों में भी लाभकारी होता है ये नुस्खा। जिस तरीके से बताऊंगी उस तरीके से लेने से आपको बहुत राहत मिलेगी। केवल 7 दिन से करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आइए देखते हैं किस तरीके से हमें लेना है लहसुन और किस तरीके से हमें इस तरीके से जीरा कैसे लेना है। हेलो दोस्तों, विनोज किचन में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप इसी तरीके से मेरी रेसिपी को सब्सक्राइब और लाइक, कमेंट, शेयर करेंगे तो मुझे इससे और मोटिवेशन मिलेगी और इसी तरीके से मैं आपको नई नई रेसिपियाँ लाती रहूँगी। तो हमें सबसे पहले अपना लहसुन लेना है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे हमें 14 लहसुन लेने हैं हमें। अगर आपका लहसुन मोटा है तो आप एक ही ले सकते हो, अगर आपके लहसुन छोटे हैं तो आप उसे 2 लेना। अगर मोटा है तो 1 लेना, अगर छोटे हैं तो 2 लेना। और किस तरीके से लेने हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप पहले अच्छे से अपने लहसुनों को छील लीजिए। तो आइए दोस्तों, हमने अपने लहसुन छील लिए हैं बहुत अच्छे से। अगर आपका लहसुन मोटा है तो आप एक ही लेंगे एक दिन में, अगर आपके लहसुन छोटे हैं तो आप 2 भी ले सकते हैं। तो हमें 7 दिन तक ये नुस्खा करके देखना है। हमने अपने लहसुन ले लिए, जैसे मोटे मोटे हैं, मैंने 7 लहसुन ले लिए हैं। और लहसुन को किस तरीके से लेना है वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि लहसुन की तासीर होती है गर्म, सभी को ये डाइजेस्ट नहीं होता है, बहुत से लोगों को इसकी स्मेल अच्छी नहीं लगती है। तो लहसुन को थोड़ा सा हम तवे पर या कढ़ाई में सेक कर भून कर लेंगे तो इसकी गर्म तासीर भी ठंडी हो जाती है और जो हम लेंगे उसके स्वाद में भी फर्क आता है। तो लहसुन को हम सबसे पहले करेंगे ड्राई रोस्ट, हल्का हल्का सा इसे भून लेंगे तवे पर या कढ़ाई में किसी भी चीज में। तो लहसुन को हमने तवे पे जला के रख दिया है, इसको अच्छे से हमें सेकना है, मतलब हल्का हल्का ये ब्राउन हो जाए, भुन जाए, ताकि इसकी तासीर जो है वो ठंडी रहे, हमारे पेट में जाके ये गर्मी ना करे और इसका स्वाद में भी हमें फर्क लगेगा। इस तरीके से सेकने से स्वाद में भी चेंज आएगा और हमें खाने में भी आसानी होगी। तो हमें इसे अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। तो दोस्तों, ये हमारा ड्राई रोस्ट हो रहा है, थोड़ा थोड़ा हमारा सिक चुका है ऊपर से। तो कच्चा लहसुन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो आप हमेशा लहसुन को इस तरीके से रोस्ट करके ही खाइएगा। ये देखिए दोस्तों, ये रंग बदल रहा है, इसको पलटते रहेंगे। ये सिर्फ 2 मिनट लगेंगे आपको इस तरीके से सेकने से, बस जलने नहीं देना, इस चीज का ध्यान रखना है हमें। ये इस तरीके से 2 मिनट में आपका लहसुन बहुत अच्छे से भुन जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, हमारा लहसुन अच्छे से सिक चुका है, तो बस हमें इतना ही सेकना है, दोनों साइड से जो ब्राउन हुआ है बस इतना ही लेना है हमें। अब गैस बंद कर देंगे हम। तो लीजिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे से, मैंने इसे रोस्ट कर दिया है, दोनों तरफ से बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। तो इस तरीके से रोस्ट करने से इसकी जो तासीर है वो भी ठंडी हो जाती है, बहुत गर्म नहीं होती है और उसका इसके टेस्ट में भी फर्क आता है। कच्चा लहसुन बहुत से लोग खा नहीं पाते हैं, पर इस तरीके से रोस्ट करने से लोग खा लेते हैं। इसमें जो खुशबू आती है वो तड़के वाली आती है, जो हमारा जो हम तड़का लगाते हैं, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आसानी से आपको लहसुन खाया भी जाएगा। और आपको लहसुन किस तरीके से खाना है, आप उठोगे सुबह, उठते ही आप फ्रेश हो जाओ, उसके बाद आपको इस तरीके से लहसुन लेना है, उसे ड्राई रोस्ट करना है। आपको एक, अगर आपकी कली मोटी है तो आपको एक कली ड्राई रोस्ट करके उसको ले लीजिए और उसे बिल्कुल चबा चबा कर खाना है और उसे खाली मत लीजिए। उसको हमें लेना है 1 गिलास गर्म पानी करके, और गर्म पानी में हमें क्या डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो लीजिए दोस्तों, हमारा पानी भी बहुत हद तक उबल चुका है, हमें उबला हुआ ही पानी लेना है। तो हम पहले ग्लास में अपना उबला हुआ पानी डालेंगे। जिस तरीके से हमें चाय लेते हैं उसी तरीके से हमें अपना पानी गर्म करके अच्छे से उबाल कर, ठंडा या गुनगुना पानी हमें नहीं चाहिए। तो हमें गर्म पानी
के साथ आप इसमें एक चम्मच शहद डाल के भी ले सकते हो। लहसुन और शहद का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। अगर जो शहद नहीं ले सकते उनके लिए ये जीरा है, और जीरे को आप इस तरीके से नहीं लेंगे, जीरे को आप पीस कर लेंगे। तो मैंने मिक्सी में पीस दिया था जीरा, तो उसका पाउडर फॉर्म में आ जाएगा वो इस तरीके से। तो हमें एक चम्मच से जीरा अपने पानी में डालना है। एक चम्मच जीरा आप अपने पानी में डाल के उसे अच्छे से मिला लें, और इसमें आप थोड़ा सा ऐड करेंगे अपना काला नमक। इस पानी में हम थोड़ा सा ऐड करेंगे अपना काला नमक, बिल्कुल कम। इस ड्रिंक को जीरा और काला नमक, जीरा हमने जो पीस के डाला है और इसमें दो चुटकी हमने काला नमक डाला है, और एक लहसुन अगर मोटा है तो एक लेंगे रोस्ट करके, अगर छोटा है तो आप दो लीजिएगा। इस तरीके से भूनने से आपको गर्माहट नहीं लगेगी लहसुन में, और इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया लगेगा। इसको चबा चबा कर खाना है, और इस ड्रिंक को चाय की तरह पीना है। ऐसा 7 दिन तक आप करिए सुबह उठकर, और इस ड्रिंक को 3 टाइम पीजिए, सुबह खाली पेट लहसुन के साथ, दोपहर में, लंच में 1 घंटे पहले लंच से, और रात को डिनर से 1 घंटे पहले। इस तरीके से आप लोगे इसको तो आपका हफ्ते भर में आपका वेट भी कम होगा, आपकी जो परेशानियां हैं पेट में वो भी कम होगी, उन सबको राहत मिलेगी, चर्बी बढ़ने से रुकेगी, आपका फैट कम होगा, और आपके पाचन तंत्र में बहुत राहत मिलेगी। अगर जिसका पाचन तंत्र सही है तो मान लो उसका पेट सही है। तो इस नुस्खे को करने से आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, लटका हुआ पेट कम होगा, थाइस की चर्बी जाएगी। ओके दोस्तों, बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।